एक सवाल ये है शेख, अस्सलाम वालेकुम, के एक्सरसाइज और जिम करना, हाँ, और अपना वेट कम करना जायज है, यानी जिम वगैरह करना लेडीज के लिए? देखिए, इंसान के लिए उसके बदन का ख्याल रखना ये जरूरी है। आज के जमाने में लोग खाते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं। शरीयत के अंदर खाने की मिकदार बतलाई गई है, पीने की मिकदार बतलाई गई है, पेट को कितना खाली रखना है वो बतलाया गया है, रोजे की नसीहत की गई है, नमाज पढ़ने की नसीहत की गई है, क़यामुल लैल की बात कही गई है, और वो तमाम चीज़ें जो इबादात हैं और साथ में सेहत को बनाने को और फिट रखने में भी काम देते हैं। अहादीस के अंदर घुड़सवारी, इसी तरीके से दीगर खेल, ये तमाम चीज़ों का जिक्र है। तो इससे जो मालूम होता है वो ये कि इंसान के लिए फिट रहना ये ज़रूरी है। और हदीस के अंदर कहा भी गया है कि अपनी बीमारी से पहले अपने सेहत को गनीमत समझो, यानी उसका ख्याल रखो। तो अगर कोई शख्स एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, वेट कम करता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी सेहत के लिए हैं जिसका शरीयत में मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं, ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं। और इंसान का फिट रहना, उसको अगर नीयत अच्छी कर ले कि इससे मुझे इबादत में मदद मिलेगी, यानी जैसे मिसाल के तौर पे वेट ज़्यादा हो गया तो आप खड़े होकर नमाज पढ़ना देर तक या सूरतें लंबी पढ़ना ये उनकी नहीं होता है बहुत सारे लोगों के लिए, या बैठ के फिर पढ़ते हैं, तो अब वेट कम करता है इस नीयत से कि नमाज से मुझे आसानी हो जाएगी, तो ये उसके लिए अजर का बाइस हो जाएगा। तो नीयत अगर सही कर ले तो वहीं पर उसका वेट भी कम हो जाएगा और अल्लाह तआला की जानिब से अजर भी उसे हासिल होगा। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख।